हेलो एवरीवन, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है व्हील अलाइनमेंट। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि स्टीयरिंग की ज्योमेट्री कैसी होती है, ओके, स्टीयरिंग हमारा दिखता कैसा है, स्टीयरिंग की कैसा मैकेनिज्म होना चाहिए, ये बहुत बेसिक फंडामेंटल्स हैं, ये आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या व्हील्स में क्या होता है। मैंने पिछली वीडियो में आपसे पूछा था कि हमारे स्टीयरिंग जो व्हील्स होते हैं क्या वो स्ट्रेट होते हैं, अगर होते हैं तो क्यों और नहीं होते हैं तो क्यों। ओके, कभी भी आप नोट करना, स्टीयरिंग व्हील्स जो व्हील्स होते हैं हमारी किसी भी गाड़ी के, वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होते, 90 डिग्री पे कभी नहीं होते। वो 90 डिग्री पे अगर हो गए तो गाड़ी जब लोडेड होगी तो व्हील्स क्या होंगे, थोड़े से इंक्लाइंड हो जाएंगे, तो इसलिए कभी इंक्लाइंड नहीं होते। वो एक्चुअली इंक्लाइंड होते हैं 2-3 डिग्री इंक्लाइंड होना पॉसिबिलिटी है, और वही हमारा आज का टॉपिक है व्हील अलाइनमेंट। तो व्हील अलाइनमेंट क्यों किया जाता है, क्या कारण है? तो व्हील अलाइनमेंट बेसिकली हमारा किसी भी गाड़ी के लिए व्हील अलाइनमेंट इसलिए किया जाता है कि जितनी भी हमारी व्हीकल्स हैं उनमें व्हील अलाइनमेंट बहुत ही नेसेसरी पार्ट है। तो इसलिए क्योंकि अगर व्हील अलाइनमेंट नहीं हुआ तो बहुत सारे उसमें ड्रॉबैक्स आप कह सकते हो, बहुत सारे गाड़ी में डिफेक्ट्स आते हैं। और व्हील अलाइनमेंट आप आज की डेट में, पहले मैनुअल व्हील अलाइनमेंट होते थे, वो व्हील अलाइनमेंट का प्रोसेस क्या था, थ्रेड होता, थ्रेड धागे से फ्रंट व्हील्स में एक साइड से राइट से या लेफ्ट से एक साइड से आप धागा पकड़िए, उसको पीछे से नापिए, अगर वो स्ट्रेट लाइन में होगा तो यानी कि आपका बिल्कुल क्लियर है, ऐसे आपका लेफ्ट ऐसे आपका राइट चेक करते हो तो व्हील अलाइनमेंट बोलते हैं। अगर आज की डेट में टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है तो जितने भी व्हील अलाइनमेंट है वो हमारे मशीन्स के द्वारा होते हैं, कंप्यूटराइज अलाइनमेंट होते हैं। तो वो कंप्यूटराइज अलाइनमेंट हमारे होते कैसे हैं, उसमें हमारा सिस्टम जो है बांधा जाता है, उसमें कंप्यूटर सेंसर लगे होते हैं फ्रंट में, वो सेंस करते हैं कितना ये आउट जा रहा है कितना ये इन जा रहा है, तो वहां से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये व्हील अलाइनमेंट अलग चीज है और व्हील बैलेंसिंग अलग चीज होती है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था व्हील बैलेंसिंग क्या होता है। ओके, नाउ अब व्हील अलाइनमेंट के लिए बेसिकली हम 5 टॉपिक्स में कवर करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है व्हील अलाइनमेंट में बेसिकली 5 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें 5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कैम्बर, किंग पिन इंक्लिनेशन, कास्टर एंगल, टो इन और टो आउट। ओके, अब बात करते हैं कैम्बर की। सबसे पहले हम बात करेंगे कैम्बर एंगल की। अब देखिए ये कैम्बर एंगल जो होता है, देखिए ये कैम्बर हमने आपको बताया कि गाड़ी कभी 0 डिग्री पे नहीं हो सकती या 90 पे नहीं हो सकती, कैम्बर या तो नेगेटिव होना चाहिए या पॉजिटिव, कुछ ना कुछ कैम्बर होना चाहिए। ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है यानी कि पॉजिटिव कैम्बर ही बेटर होता है, नेगेटिव कैम्बर बेटर नहीं होता, तो दिस इज करेक्ट, तो पॉजिटिव कैम्बर होना चाहिए। कैम्बर की वैल्यू जो व्हील्स की है वो 2 से 2 से लेकर 3 डिग्री तक इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो कैम्बर की अगर बात करूं तो ये जो है हमारा एग्जैक्टली 90 डिग्री परपेंडिकुलर नहीं होता, लिटिल बिट इंक्लाइंड होता है, जैसे कि 88 डिग्री, 90 मैंने आपसे कहा 90 नहीं होता, ये 88 डिग्री हो सकता है, यानी कि 2 डिग्री हमें रखना पड़ता है। अब वो इन होगा या आउट होगा वो डिपेंड करता है। ओके, तो बेसिकली कैमरा एंगल आप लोग क्लियर हो गए, कोई व्हील जो है हमारा पॉजिटिव नेगेटिव कैमरा की तरफ मूव करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा आता है किंग पिन इंक्लिनेशन। अब नकल आप लोगों को पता है नकल क्या होता है, नकल हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए ये नकल होता है हमारा ना, ये पार्ट नकल का था, ये पार्ट नकल का होता है। तो किंग पिन इंक्लिनेशन ये है, ये जो हमारा पार्ट है किंग पिन इंक्लिनेशन क्या है, ये तो किंग पिन इंक्लिनेशन की एक्सिस होगी और ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं किंग पिन इंक्लिनेशन। किंग पिन और स्टीयरिंग एक्सिस, ये तो स्टीयरिंग की एक्सिस होगी बेसिकली और ये होता हमारा किंग पिन इंक्लिनेशन। ओके, अगर मैं टेक्निकल भाषा में आपको समझाऊं तो किंग पिन इंक्लिनेशन जो होता है कि इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है, ठीक है, थ्रू द किंग पिन एज फ्रॉम द फ्रंट, फ्रंट की तरफ से जैसे हम व्यू करेंगे तो यहाँ से हम जैसे हमने फ्रंट से देखा तो हमें देखना मिलेगा किंग पिन की लाइन एक्सिस कौन सी है। ओके, तो बेसिकली किंग पिन है, इसका पर्पज ये होता है कि सस्पेंशन, ये एक हमारा जो है अपर सस्पेंशन को पाइवट लोकेशन प्रोवाइड कराता है, जो हमारे सस्पेंशन सिस्टम होते हैं उसको पाइवटिंग लोकेट कराता है, जिससे कि हमारा जब ट्रेवलिंग करते हैं तो उसमें आर्क जो है, जिसमें जब हम कोई भी गाड़ी व्हीकल हम देखो, गाड़ी हमारी व्हीकल हमारी टर्न करती है तो आपने देखा होगा एक साइड से उठ जाती है, तो सस्पेंशन सिस्टम उसको अवॉइड करता है, मतलब रोकने की कोशिश करता है, उठती तो है, उठना भी चाहिए, ठीक है, हम देखो एक साइड से उठ जाती है, तो वो स्किन इंक्लिनेशन उसको
अवॉइड करने की कोशिश करता है, वो मतलब उसको रेस करने की कोशिश करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है कास्टर एंगल। अब देखिए दोनों में डिफरेंस में कंफ्यूज मत होना, कास्टर एंगल क्या होता है और कैम्बर एंगल क्या होता है। कास्टर एंगल होता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टीयरिंग एक्सिस फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टीयरिंग एक्सिस फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस ऑफ अ स्टीयर्ड व्हील इन अ कार, मोटरसाइकिल, बाइसिकल, अदर व्हीकल्स और वेहिकल, मेजर्ड इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो बेसिकली क्या है, देखिए कैम्बर एंगल तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कैम्बर एंगल क्या होता है, ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कास्टर एंगल क्या होता है, ये नकल है, तो नकल की सेंट्रल लाइन से बॉल जॉइंट सेंटर लाइन कहा गया और स्ट्रेट सेंट्रल लाइन के बीच में एंगल होता है, उसको बोलते हैं कास्टर एंगल। ठीक है, फ्रंट से अगर देख रहे हैं तो कास्टर एंगल भी हमारा मैटर करता है। फिर आता है टो इन और टो आउट। टो इन और टो आउट का मतलब वही है कि टायर कितना बाहर और कितना अंदर है, तो ये टो इन और टो आउट होना चाहिए। अगर फ्रंट ऑफ द कार है तो टो आउट होता है, ये जो बैक है हमारा टो इन होना चाहिए। ये फ्रंट ऑफ द कार हमने बताया गया है, ये टो इन और टो आउट बेसिकली होते क्या है, नेगेटिव टो और टो आउट इज द फ्रंट ऑफ द व्हील पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द व्हीकल, पॉजिटिव टो और टो इन इज द फ्रंट ऑफ द व्हील पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर लाइन ऑफ द व्हीकल। टो कैन बी मेजर्ड इन लीनियर यूनिट्स एट द फ्रंट और रियर ऑफ द टायर और एज एन एंगुलर डिफ्लेक्शन। ओके, तो टो इन और टो आउट बेसिकली क्या होते हैं किसी भी व्हीकल्स के लिए, ये हमारे फ्रंट में है कि कितना हमारा गाड़ी जो हमारे व्हील्स हैं वो कितने आउटर हैं और कितने ही, दोनों ही आउटर हैं। इसमें टो इन में क्या है, जो हमारा टो आउट में क्या होगा, फ्रंट वाला जो पोर्शन है वो आउट होगा और इनर वाला पोर्शन जो है अंदर होगा। और टो इन में क्या होगा, फ्रंट वाला अंदर होगा और बाहर जो पी बैक वाला पोर्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा। ये हो सकता है आप लोग की थोड़ा सा क्लियर हो गया हो कि टो इन और टो आउट की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि हमारी इसमें रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, तो बेसिकली हमारा टो इन और टो आउट था। नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए स्टीयरिंग गियर के मैकेनिज्म जो है बेसिकली दो टाइप के होते हैं। हमारे जो बेसिक्स हैं, बेसिक जो हमारे हैं वो दो टाइप के स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म होते हैं, जो हमारे प्रैक्टिकल जो हमने कोई भी चीज थियोरेटिकल पढ़ी जाती है तो हम प्रैक्टिकल की तरह मूव करते हैं। ओके, तो बेसिकली हमारे जो स्टीयरिंग मैकेनिज्म होता है बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म और दूसरा होता है एकरमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म। अगर डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म की बात करूं तो एक्चुअली मैं डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म मैंने इसमें दिखाया नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म होता क्या है। डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म में एक्चुअली था क्या, उसमें स्लाइडिंग पेयर्स है, ये जहां पे आपको दिख रहा है ना ये पार्ट जो है तो एकरमैन का है, यहाँ पे उसमें क्या थे स्लाइडिंग पेयर्स है, ये एक्सटेंड कर रखा था उन्होंने आगे, तो यहाँ पे स्लाइडिंग पेयर्स है। ओके, अब स्लाइडिंग पेयर में फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो वियर आउट कंडीशन भी ज्यादा होगी उसमें और उसकी इनएक्यूरेसी भी वो इनएक्यूरेट हो जाएगा कुछ टाइम बाद। ओके, उसके बाद आया एकरमैन। तो एकरमैन में क्या थे, टर्निंग पेयर थे। अभी ध्यान में रखना कि डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म के अंदर स्लाइडिंग पेयर थे और एकरमैन के अंदर टर्निंग पेयर थे। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमने जो सबसे पहले जो हमने थ्योरेटिकली पढ़ाया वो कौन सा पढ़ा, हमने डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म ही पढ़ा है, उसके बाद हमने एकरमैन पे आए। ओके, अब डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म में क्या फॉल्ट आया कि देखिए डेविस के स्टीयरिंग मैकेनिज्म जो था वो एकरमैन ने इसलिए प्रेफर किया, एकरमैन भी साइंटिस्ट जिन्होंने प्रेफर किया था क्योंकि एकरमैन में टर्निंग पेयर थे और डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म में क्या स्लाइडिंग पेयर थे। स्लाइडिंग पेयर कुछ टाइम बाद इनएक्यूरेसी हो जाती है उनकी, इसलिए हम उनको यूज नहीं किया। तो अब अगर मैं उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू बताऊं, थ्योरेटिकल तो करेक्ट था बट प्रैक्टिकल इट इज नॉट करेक्ट। उसकी वैल्यू थी टेन अल्फा इक्वल्स टू सी बाय टू बी, टेन अल्फा इक्वल्स टू सी बाय 2b। मैं आपको डेविस का बता दे रहा हूं, tan alpha equals to c by 2b। अब c क्या है, c तो आपको मतलब बताइए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और b क्या है यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा हो गया डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म का केस। ओके, अब डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म का केस ही हो गया। ओके, अभी देखिए इसमें टर्निंग पेयर है ना, जब ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में तो देखिए टर्न कर रहे हैं ना, ये एंगल टर्न कर रहे हैं, ये मूविंग राइट इस डायरेक्शन में मूव करा, तो देखिए इधर मूव करके तो यानी कि ये जो है इसके टर्निंग पेयर हमें काउंट हो जाते हैं, तो इनका जो आई सेंटर है वो यहाँ बेसिकली आ रहेगा तभी गाड़ी हमारी टर्न कर पाएगी प्रॉपर। ओके, और ये बेसिकली था हमारा बी होता, स्मॉल बी जो होता हमारा व्हील बेस होता है, क्या स्मॉल सी होता जो हमारा फ्रंट एक्सल्स होता है उनके बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं सी। तो डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म थ्योरेटिकली तो करेक्ट था बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर स्लाइडिंग पेयर वेयर उसमें ज्यादा हुआ जिसकी वजह से स्लैकनेस हुई स्लाइडिंग सर्फेसिस के बीच में और उसने
उसकी जो एक्यूरेसी थी ओरिजिनल उसको एलिमिनेट करना शुरू कर दिया, तो ये कॉमन यूज में नहीं है, ये कॉमन यूज में नहीं है। उसकी जगह जो हमने यूज किया वो किया हमने एकरमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म। अब एकरमैन जो स्टीयरिंग मैकेनिज्म है, एकरमैन जो स्टीयरिंग मैकेनिज्म है, अगर मैं एकरमैन स्टीयरिंग के मैकेनिज्म की बात करूं तो वो क्या है, मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूं। एक मिनट में क्रॉस कर ड्रॉप कर लेता हूं, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाएगा फिर आपको यहीं पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं एकरमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म की। तो एकरमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म जो था उसमें cot phi माइनस cos थीटा इक्वल टू c बाय b, ये था बेसिकली हमारा एकरमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म, ओके। और जो c बाय b की वैल्यू होती है वो जनरली लाई करती है 0.4 से 0.5 के बीच में, ओके। और ये वो कंडीशन है जब हमारा करेक्ट स्टीयरिंग मैकेनिज्म होता है राइट ड्राइव के लिए, हम यूज करते हैं इसको, ओके। तो ये बेसिकली हमारा जो है एकरमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म होता है। इसमें ये स्टैंडर्ड इसकी वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ भी एक वैल्यू देखिए tan alpha equals to sin phi minus sin theta upon cos phi plus cos theta minus 2, ये भी एक वैल्यू होती है, बट ये जो है करेक्ट वैल्यू है cot phi minus cos theta equals to c by v, और c by v की वैल्यू डिपेंड करती है 0.4 से 0.5 तक, जनरली 0.455 होती है, ओके। ये हमारा करेक्ट स्टीयरिंग मैकेनिज्म की परिभाषा है, ओके। नाउ मूविंग टूवर्ड्स, अब दो टाइप के और होते हैं, गाड़ी तो हमने चलो ठीक है हमने बना लिया, हमने मैकेनिज्म भी बन गया, गाड़ी भी तैयार हो गई, ठीक है। अब आपने देखा होगा गाड़ी जब हम कोई भी ड्राइव करते हैं, जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो उसमें दो केसेस हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है अंडर स्टीयरिंग और एक होता है ओवर स्टीयरिंग। अब ये तो देखो भाषा समझ में, आपको समझ में आगे क्लियर हो गया होगा कि अंडर स्टीयरिंग का मतलब क्या है और ओवर स्टीयरिंग का मतलब क्या है। अंडर स्टीयरिंग का मतलब यह है कि जब हमने गाड़ी काटने की कोशिश करी तो हमने कम एंगल पर गाड़ी काट दी, तो उसको बोलते हैं अंडर स्टीयरिंग। और ओवर स्टीयरिंग का मतलब क्या होता है कि कोई हमें गाड़ी काटनी थी, हमने ज्यादा एंगल पर काट दी, तो उसे कहते हैं ओवर स्टीयरिंग। तो दोनों ही केस अलग अलग है। जैसे आपने देखा होगा जब F1 कार रेस चलती है तो उसमें क्या होता है, ये देखिए ये था अंडर स्टीयरिंग का केस है। अंडर स्टीयरिंग के केस में क्या हुआ, जब ये गाड़ी काटने गए तो इन्होंने गाड़ी यहाँ ना काट के इन्होंने यहाँ पर ही काटी, तो इससे क्या होगा वो ट्रैक से बाहर निकली। और ओवर स्टीयरिंग केस में क्या होता है कि जब गाड़ी जहां काटनी थी वहां ना काट के उसने पहली काट दी, तो ओवर स्टीयरिंग का केस हो गया, ओके। तो अंडर स्टीयरिंग और ओवर स्टीयरिंग बेसिकली नहीं होने चाहिए। मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा इसमें। जब भी हमारी कोई व्हीकल टर्न लेती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है जिसमें साइड थ्रस्ट लगता है, ओके। उसको सस्टेन करने के लिए जो हमारे व्हील्स होते हैं उसको एक एंगल लेना चाहिए डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द व्हीकल्स में, थ्रस्ट को अवॉइड करने के लिए, ओके। और वो हमारा तभी अचीव होता है जब हमारा टायर फ्लेक्सिबल होंगे या डिस्टॉर्शन होगा। वो एंगल जिससे व्हील हमारे टर्न होते हैं टू सस्टेन द साइड फोर्स, साइड फोर्स को सस्टेन करने के लिए जो एंगल, जिस एंगल से हम व्हील को टर्न करेंगे उसे बोलते हैं स्लिप और क्रीप एंगल। स्लिप और क्रीप एंगल बोला जाता है उसको, स्लिप और क्रीप एंगल बोलते हैं उसको, ओके। स्लिप और क्रीप एंगल बोलते हैं बेसिकली, ओके। तो ये हमारा एक जो परिभाषा है ये हमारी है, ये स्लिप क्रीप एंगल ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इसे मैंने आपको जनरल समझाया है कि अंडरस्टीयर ओवरस्टीयर का मतलब क्या है, ओके, ठीक है। और इसी की वजह से हमारा जो कॉर्निंग फोर्स लगती है, तो जो स्लिप डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है हमारा कितनी साइड फोर्स है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है टायर्स की, कितना लोड कैरी कर रहे हैं विंग्स, कैम्बर एंगल कितना है, कंडीशन क्या है रोड सरफेस की, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। जब हमारा स्लिप एंगल किसी भी फ्रंट व्हील्स का ज्यादा होगा रियर व्हील्स से, तो व्हील जो टर्न करेगा वो रेडियस लार्जर देन इंटेंडेड, जितना रेडियस है उससे ज्यादा टर्न करेगा, और ड्राइवर को क्या करना पड़ेगा, अंदर की तरफ काटने की कोशिश करनी पड़ेगी, जिसका कंडीशन ये है, ये अंडरस्टीयरिंग कंडीशन होगी ना, ये देखिए अंडरस्टीयरिंग कंडीशन होगी। जितना काटना था, जितनी इसने गाड़ी को एंगल पर, जिस एंगल पर टर्न करना था वो एंगल तो टर्न हुआ नहीं, कोशिश उसने पूरी करी पर वो नहीं हो पाया, तो इसे ये बोलते हैं अंडरस्टीयरिंग का केस है, ओके। अब बात आती है ओवर स्टीयर। जब हमारा स्लिप एंगल ग्रेटर होता है रियर व्हील्स से, व्हेन स्लिप एंगल इज ग्रेटर एट द रियर व्हील्स देन एट द फ्रंट। अब रियर व्हील्स का स्लिप एंगल जब ग्रेटर हो जाएगा तो व्हीकल टेंड क्या करेगी, ओवर स्टीयर करेगी,
और वो कर्व जितना बनाना है उतना बना के वो कर्व वाला कुछ ऐसा बन जाएगा। ये देखिए ये कर्व ही दिखाया, ये कर्व वाला कुछ ऐसा बन गया, तो उसको बोलते हैं ओवर स्टीयरिंग कंडीशन। ओके, तो ये बेसिकली हमारा ओवर स्टीयरिंग है। तो हो सकता है आपको गाइस समझ में आया हो कि अंडर स्टीयरिंग और ओवर स्टीयरिंग बेसिकली होते क्या है हमारे। ओके, और मैं आपको इसमें अपने लिंक में इसका वीडियो दूंगा, अपने वीडियो में इसका लिंक दूंगा कि आपको अंडर स्टीयरिंग और ओवर स्टीयरिंग एक्चुअली में होता क्या है। एनिमेशन भी है मेरे पास, मैं आपको उसका दूंगा। ओके, तब हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पॉसिबिलिटी है कि आपको हो सकता है क्लियर समझ में आया हो। और थैंक यू वेरी मच।